अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज्वारी की रोटी और हरी मिर्च का ठेचा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो अपने मुंह का टेस्ट चला जाता है, हमें कुछ भी खाओ तो टेस्टी नहीं लगता। उस टाइम पे आप ज्वारी की रोटी और इस हरी मिर्ची का ठेचा बनाकर खाएंगे तो आपका टेस्ट वापस आ जाएगा, और इतना टेस्टी लगता है खाने में तो हमारे घर पे सभी का फेवरेट है। हम ऐसे भी इसको हमेशा बनाकर रखते हैं, दाल चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह बोलकर। मैंने यहाँ पे कुछ फीकी मिर्ची ली है और थोड़ी सी तीखी मिर्ची ली है और एक गड्डी लहसुन लिए हैं। अब हम इसे साइड में रखते हैं, पहले हम ज्वारी की रोटी बना लेते हैं। ज्वारी की रोटी बनाने के लिए हम पहले किचन काउंटर को अच्छे से धो लेंगे, उसको साफ कर लेंगे। अब हम एक छन्नी लेंगे, उसमें ज्वारी का आटा डालेंगे और छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। क्या होता है, ज्वारी का आटा आपका फ्रेश है, 4 दिन पहले आपने आटा पीस के लाए हैं, तो उसमें गर्म पानी के डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा 10-12 दिन हो गया ज्वारी का आटा लाकर, इसके लिए मुझे यहाँ पर तवे में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर उसमें मैं डाल दूँगी। इससे क्या होगा, रोटी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा गर्म है, इसके लिए पहले थोड़े से हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आटे को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से मल लेना है। जितना आप आटा अच्छे से गूंद लें उतनी अच्छी आपकी रोटी बनकर तैयार होगी। इस तरह से मैं इसके 3 पेड़े बना लूँगी, मुझे 3 रोटी बनाना है। अब हम किचन काउंटर पे थोड़ा सा सूखा ज्वारी का आटा ले लेंगे, उसके ऊपर रोटी रखे, इस तरह से हमको बनाना है। अब देख सकते हैं मैं वीडियो में किस तरह बना रही हूँ, बहुत ही अच्छी सी रोटी बनकर तैयार होती है। बहुत जल्दी ही बनकर तैयार होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम गैस पर तवा गरम होने के लिए रख दिए हैं, तवा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम रोटी को उस पर डाल देंगे, इस तरह से उठाना है और रोटी को डाल देना है, और ऊपर से हम थोड़ा सा इसको पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा सूख जाने के बाद हम इस तरह से रोटी को पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे। तब तक हम दूसरी रोटी बना लेंगे। देख सकते हैं रोटी नीचे से भी अच्छे से सिक चुकी है, अब हम इसे पलट देंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही फुली फुली सी अच्छे से रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह दूसरी रोटी को भी हम डाल देंगे। ज्वारी की रोटी शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, वेट लूज के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, ये रोटी ज़रूर बना के खाया करो। देख सकते हैं दूसरी रोटी भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम हरी मिर्च का ठेचा बनाने के लिए यहाँ पे थोड़े से मूंगफली लिए हैं, उसको लो फ्लेम पर भून लेंगे। मूँगफली को लो फ्लेम पर ही हमें अच्छे से भूनना है। अब देख सकते हैं मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। और अब हम मिर्चियों को इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है, कम तीखी वाली मिर्ची और तीखी वाली दोनों मिर्चियों को हम तवे पे डाल दिए हैं। 1 मिनट तक ऐसे ही हम भून लेंगे, लो फ्लेम पर ही हमें इनको भूनना है।
अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे, छोटा चम्मच तेल डालेंगे। अब तेल डालने के बाद और अच्छे से भून लेंगे। उसी के साथ हमने जो लहसुन छील के रखा था उसको भी डाल देंगे और एक चम्मच जीरा भी डाल देंगे। जीरा और लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। अब देख सकते हैं अच्छे से भून चुके हैं और हमने इसे ठंडा करके मिक्सी जार में डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और दरदरा पीस लेंगे। अब देख सकते हैं हमने इसे दरदरा पीस लिया है। अब हम उसी तवे में एक चम्मच तेल डालकर पीसी हुई हरी मिर्च और मूंगफली को डाल देंगे। ऐसा करने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ज़्यादा दिन तक ये रहेगा। बस हमें एक मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है इस तरह से। बस हमारा ये ठेचा बनकर रेडी हो चुका है। आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने इसे आम के अचार और प्याज के साथ सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।